साइज इसका ऑस्कर बन का साइज था 13x25x12 और इसका इसका साइज था 10x10x10। तो सिमिलर किस्म के साइज जैसे कोई खास फर्क नहीं है और मिशन का भी वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही दोनों का। लेकिन आईक्यूब के अंदर क्या था, सोलर पैनल्स ऐड हुए हैं यहाँ पर। तो ये क्या इसका मतलब है कि इसका इनडेफिनेट इसकी लाइफ टाइम हो सकती है। सोलर पैनल्स आपके पास हैं तो आप बैटरीज को चार्ज भी कर सकते हैं। ऑस्कर वन में क्या था, आप चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा तो अब सर आप लोग गैस कर सकते हो कि आईक्यूब वन की क्या कॉस्ट पड़ी होगी हमें 2013 के अंदर जब हमने ये लॉन्च किया था, तो क्या कॉस्ट पड़ी होगी इसकी। ऑस्कर वन की थी $68, वो भी 1961 के $68 से। तो आईक्यू वन को कितनी कॉस्ट पड़ गई होगी अंदाजन पैनल्स के ऊपर लगते होंगे अराउंड 30 to 40 सर, $100 के करीब। नहीं बहुत दूर हो आप। सर 30 to 40 dollars आई थिंक। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे। सर इससे काफी कॉस्ट आई होगी सर। जी जी सर, लॉन्चिंग के साथ वो $68 की लॉन्चिंग यहां से नहीं हुई थी। वो लॉन्चिंग के बगैर, वो लॉन्चिंग के बगैर हम बात कर रहे हैं हर कॉस्ट 10 crore डॉलर्स के करीब। जी तकरीबन ये थी $90,000 के आसपास ये आईक्यू वन की कॉस्ट। और फर्क क्या था, खाली सोलर पैनल्स हमने ऐड किए और थोड़े बहुत हमने बने बनाए पार्ट्स यूज किए हैं। तो आपकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुंची, $68 से आपके पास $90,000 में आके तकरीबन यानी कि तकरीबन 1 crore प्लस बन रही थी कॉस्ट इसकी अगर देखा जाए तो। और मिशन में कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये स्पार्को की तरफ से था या आईएसटी की तरफ से था आईक्यू वन। नहीं आईएसटी की तरफ से था। और सर ये इंटर डिपार्टमेंटल था या ओवरऑल। जी जी सब डिपार्टमेंट से मिलकर बनाया था ये, लेकिन मेन काम इलेक्ट्रिकल का था यहाँ पर। जो प्राइमरी रोल था वो इलेक्ट्रिकल वालों ने किया। तो इतनी ज्यादा इसकी कॉस्ट आई, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। और फिर इंटरेस्टिंग बात कि ऑस्कर वन भी आपका 1-2 महीने चला है, लेकिन आईक्यू वन गेस करो कितना चला होगा, कितने डेज तक सर्वाइव किया होगा इसने। मतलब इससे अच्छा था कि सोलर पैनल आप ना ही एम्बेड करते, खाली बैटरी भेज देते, कॉस्ट कम कर लेते अपनी। इसको देखिए हमें अंदाजा हो रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि इतनी जल्दी फेल क्यों हुए। तो हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे कि इतनी जल्दी फेलियर तो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है। इतनी कॉस्ट स्पेंड करने के बाद अगर इतना टैक्स पेयर का पैसा अगर लगाओ तो 2 दिन में फेल हो जाए, तो बहुत जरूरी है कि इस पर प्रॉपर पे इन्वेस्टिगेट करें कि क्या हुआ इसके साथ और किस किस्म के फेलियर्स आए थे इसके सैटेलाइट के अंदर। अच्छा पहली इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास अब यहाँ पे डेटा क्या है आईक्यू वन से। आईक्यू वन से जिस तरह आपके पास खाली एक ही डेटा आया, वो क्या डेटा था, ये मैसेज। वो मैसेज क्या था कि आईक्यू वन फर्स्ट क्यूब सैटेलाइट ऑफ पाकिस्तान। वैसे ये मैसेज ऑन रिपीट पे लगा हुआ था, ट्रांसमिट हो ही जा रहा था, लूप पे चल रहा था ये। तो इसी मैसेज की डिफरेंट ब्रॉडकास्ट आते रहे आपके पास, ठीक है। तो इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला हुआ। तो हमारे पास खाली इसी मैसेज के पैकेट्स हैं, ढेर सारे हैं हमारे पास। अब उनके अंदर देखेंगे उसके वेरियंस जो आएगी, वो वेरियंस हमें हेल्प करेगी। अच्छा दूसरी बात कि ये जो मैसेज था आपका आईक्यू वन फर्स्ट क्यूब सैटेलाइट ऑफ पाकिस्तान, इसकी कोडिंग हुई थी मोर्स कोड के ऊपर, ठीक है। तो मोर्स कोड के ऊपर कोडिंग हुई थी, अब तो हमें मोर्स कोड भी देखना पड़ेगा उसको समझने के लिए क्या प्रॉब्लम थे इसके अंदर। तो पहले हम स्टार्ट में मोर्स कोड को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या इससे किस किस्म का इनसाइट्स मिलती हैं आपकी ये डेटा से जो हमें आईक्यू वन से मिला। अच्छा मोर्स कोड क्या होता है, मोर्स कोड वर्ल्ड वॉर के जमाने का कोड है। इसमें क्या है कि आपके पास खाली एक सिंपल आपके पास कैरियर वेव होती है। मतलब आपने क्या किया है, जैसे अगर आप फोन पिक करो, अगर आप पीटीसीएल का फोन पिक करो, जो आपको टोन की आवाज आती है ना,
PTCL के फोन के ऊपर, तो वही टोन क्या होती है, वो प्योर कैरियर वेव होती है, ठीक है। अगर हम कैरियर वेव को रोक रोक के ट्रांसमिट करें कि मैंने थोड़ी सी साइन वेव्स भेजी हैं, फिर मैंने रोक दिया है, उसके बाद मैं ज्यादा देर के लिए भेजी है और फिर मैंने रोक दिया है, थ्रू आउट एक ही साइन वेव हम यूज करें, हम कर क्या रहे हैं, खाली इनकी टाइमिंग कंट्रोल करेंगे, कब ट्रांसमिट करना है कब नहीं करना। खाली इसको यूज करते हुए हम डिफरेंट डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, खाली एक ही कैरियर वेव, आपके पास और कुछ भी नहीं है, कोई मॉड्यूलेशन नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई कैरियर, एक ही कैरियर वेव है खाली, वो कैरियर वेव क्या है, सिंपल एक साइन वेव है, वो कैरियर वेव आपके पास एक फिक्स कर लोगे, उसको चेंज नहीं करेंगे हम फिर। अच्छा, इसके अंदर पे होता क्या है, इसके अंदर होता यह है कि आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास बेसिक डॉट होता है और एक आपके पास डैश होती है यहाँ पे। अच्छा, देखा जाए तो डॉट और डैश बेसिकली यही है, साइन वेव्स का ही, साइन वेव्स ही मिलकर बनी हुई है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, तो ये मतलब साइन वेव्स ही मिलकर बनाए हुए हैं, और कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इसको अगर लॉजिकली देखा जाए तो हम यू डिफाइन करते हैं कि डॉट जो होगा, अगर उसका टाइम पीरियड मैं कहता हूँ टी है, अगर ये टी ड्यूरेशन के लिए डॉट प्ले होती है, तो जो डैश होगी वो थ्री टाइम्स टी के लिए प्ले होगी। तो हम क्या कह रहे हैं, जो डैश होनी चाहिए वो डॉट से थ्री टाइम्स बड़ी होनी चाहिए। तो ये बेसिक इसका है, इसका बेसिक जो रूल्स है यहाँ पे। और उसके बाद के हर डॉट के बाद या हर डैश ट्रांसमिट करने के बाद हम एक डॉट की स्पेस देंगे यहाँ पे। तो ये देख रहे हो, हमने एक स्पेस दी हुई है यहाँ पर, हर ट्रांसमिशन के बाद इसका टाइम कितना होगा, डॉट के इक्वल होगा। अच्छा, उसके बाद जब हम एक पूरा वर्ड ट्रांसमिट कर लेंगे तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सेवन की स्पेस देते हैं यहाँ पे कि हमने पूरा वर्ड ट्रांसमिट कर लिया। जब हम एक कैरेक्टर ट्रांसमिट कर लेते हैं फिर हम थ्री की स्पेस देते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या रखा हुआ, डिफरेंट किस्म की स्पेसिंग रखी हुई है। अगर आपने पेरेंट्स को ट्रांसमिट करना है पी ए आर आई एस, तो उसके जो इंटर जो लेटर्स हैं उनमें आप थ्री थ्री टाइम का स्पेस दे रहे हो, यानी कि एक डैश के बराबर का स्पेस दे रहे हो, यानी कोई ट्रांसमिशन नहीं करे। और जब पूरा वर्ड पूरा कर लोगे तो फिर आपने सेवन टाइम्स का आपने यहाँ पर स्पेस देना, लाइक पता चला कि वर्ड खत्म हो गया, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होने लगे। तो कैरेक्टर की स्पेसिंग के लिए थ्री टाइम्स आपके पास होगा, ठीक है, वर्ड की स्पेसिंग के लिए सेवन टाइम्स होगा, और जो कैरेक्टर जो मिलके बनता है वो बनता है डॉट और डैश से मिलके बनते हैं कैरेक्टर्स। और हर डॉट और डैश के बाद आपने एक टी टाइम की स्पेसिंग देनी है। तो ये हमारे पास सिंपल सी नोटेशन आ गई। उसके बाद हमारे पास कोड्स होते हैं यहाँ पर डिफरेंट अल्फाबेट्स के लिए, मतलब ए के लिए आपके पास कोड होगा डॉट डैश, ई के लिए होगा खाली डॉट, आई के लिए होगा डॉट डॉट, फिर आपके पास एस के लिए होगा डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के कोड्स हैं यहाँ पे, टी के लिए होगा डैश। तो हम इनको यूज करते हैं इसको फिर डिकोड करने के लिए और फिर एनकोडिंग के लिए भी, ठीक हो गया, सही। तो अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो कि आपने, अगर इसको हमें डिकोड करना है, यहाँ पे हमें ये वाला मैसेज रिसीव हुआ है, ठीक है, हमने अगर इसको डिकोड करना हो तो कर सकते हो टेबल को देखकर, अंदाजन अंदाजन क्या बनेगा आपके पास? सर फर्स्ट में एल आएगा आई थिंक। जी नहीं, एल में यहाँ पे एक डॉट एक डैश होनी चाहिए थी यहाँ पर, राइट सर, पी आएगा, पी, जी पी आ गया सर, यू आ जाएगा, यू आ जाएगा बिल्कुल, टी आ जाएगा, टी आ जाएगा बिल्कुल, फाइव आ जाएगा सर, जी आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, फाइव आएगा, ठीक है, पी आएगा सर नेक्स्ट में, ठीक है, पी आ गया, आई आ जाएगा, आई आ गया, नहीं आई है, ठीक है, आई आ गया, ई आ जाएगा, ई आ गया, सी, सी आएगा सर, सी आ जाएगा बिल्कुल, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, और सर एस आएगा, एस आ जाएगा, ओ आ गया हमारे पास, ठीक हो गया, एफ, जी एफ आ गया, आर, आर आ गया हमारे पास, यू,
यू आ गया, बी बी आ गया, फिर से बी आएगा, फिर से बी आ गया, आई आई आ गया, एस एस एच 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 आ गया हमारे पास, आई आई एन एन आ गया, टी टी आ गया, एच एच आ गया, ई ई ई आ गया, बी बी आ गया, आई आई आ गया, और लास्ट में एन एन आ गया। तो आप लोगों को लगा कि अगर आप 5-10 मिनट अगर ये काम करते रहोगे ना, तो आपको ये सारे कोर्स जबानी याद हो जाएंगे ऑलमोस्ट, और उसके बाद आप बड़ी तेजी के साथ इसको डिकोड कर सकते हो। तो मतलब कुछ मिनट्स की बात होती है कि आप थोड़ी देर प्रैक्टिस करते रहो तो आपका सारा कुछ जबानी याद हो गया होता है। तो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, टू के अंदर हम इन्हीं कोड्स के ऊपर सब कुछ काम करते रहे, मोर्स कोड ही हर जगह पर यूज करते रहे मैसेजेस ट्रांसमिट करने के लिए। अच्छा चले, अब हम उसको जरा गौर से देखते हैं कि हमने जो वर्ड्स देखे थे उनका मतलब क्या है। अच्छा, अगर ये हमारे पास था मेन वर्ड पेरिस, ये हमें ट्रांसमिट करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, P का कोड क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे चेक करो, डॉट डैश डैश डॉट, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या बना लिया, डॉट डैश डैश डॉट। फिर A का कोड चेक करो क्या है, डॉट डैश, तो ये बन जाएगा डॉट डैश। फिर R का कोड क्या है हमारे पास, डॉट डैश डॉट, तो ये आ गया डॉट डैश डॉट। I का कोड आ गया हमारे डॉट डॉट, S का कोड आ गया डॉट डॉट डॉट। अच्छा ठीक हो गया, सही। अच्छा आप देख रहे हो कि अब हमने हर डॉट डैश के बाद स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे, टी टाइम गई। तो अगर डॉट की ड्यूरेशन टी है तो स्पेस भी टी है। तो हमने हर एलिमेंट के बाद एक स्पेस दिया हुआ है छोटा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए। और जब हमने पी को पूरा कर लिया, कि पी हमने पूरा का पूरा इनकोड कर लिया, उसके बाद हमने थ्री टाइम का स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि अगला कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है, और सो ऑन हम करते जा रहे हैं। अच्छा अब आप लोग बताओ कि जब फिजिकली हम इसको जब ट्रांसमिट करेंगे यहाँ पे, तो क्या ये स्क्वायर वेव में ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ पर, कि ये साइन वेव में ट्रांसमिट होगा, कि जब मैंने डॉट ट्रांसमिट करना होगा ये वाला डॉट फर्स्ट में, तो ये स्क्वायर वेव जाएगी या साइन वेव जाएगी? स्क्वायर वेव। अच्छा एक आ गया जो आपके स्क्वायर वेव जाएगी, ठीक है। बाकी सब लोग भी एग्री करते हो कि स्क्वायर वेव जाएगी? सर डॉट और डैश की फॉर्म में तो हम इनको 0 एंड 1 अगर असाइन करते हैं तो हिसाब से फिर देखा जाए तो 0 स्क्वायर वेव ही होगी। अच्छा वो कहने की 0 और 1s यहां पे आ रहे हैं, यानी 0s और 1s मतलब वही स्क्वायर वेव बनेगी। अच्छा अब जरा गौर करते हैं कि स्क्वायर वेव अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या है इसके साथ। अच्छा पहली बात की, अगर हम स्क्वायर वेव ट्रांसमिट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है हमारे पास, ये फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्म क्या आएगा आपके पास एक स्क्वायर वेव का? एक सिंक सा आएगा। तो बहुत ज्यादा बैंडविड्थ लेगा आपका सिंक कि कम लेगा? सर ज्यादा लेगा। ज्यादा लेगा, बहुत ज्यादा बैंडविड्थ लेगा। और अगर हम कहते हैं कि हमने अपनी कोडिंग फास्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि वर्ड्स तेज तेज ट्रांसमिट हो, तो मैं क्या करता हूँ कि ये बस जो टाइम पीरियड था इसका टी, उसको मैं क्या करूँगा, हाफ कर लूंगा ताकि जल्दी जल्दी ट्रांसमिट कर सकूँ। मैसेज भेजने की स्पीड अगर मैं बढ़ानी है, तो अगर अभी टी 1 सेकेंड था यहाँ पर डॉट का टाइम, 1 सेकेंड को अगर मैं कम करके 0.5 सेकेंड्स करता हूँ फास्ट करने के लिए, तो मेरे पास नई पल्स हो जाएगी यू 0.5 सेकेंड्स की बन जाएगी। तो अब इस केस में इसके साथ क्या होगा, स्पेक्ट्रम के साथ ये भी हाफ हो जाएगी या डबल हो जाएगी? डबल हो जाएगा सर। जी डबल हो जाएगी। तो अब जरा देख रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है स्क्वायर वेव के साथ। स्क्वायर वेव के साथ प्रॉब्लम के बहुत ज्यादा बैंडविड्थ खाता है। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल डॉट के बाद डैश भेजा तो क्या हो रहा होगा, उसका पिछले वाले की सिंक वेव ओवरलैप कर रहा होगा यहाँ पर,
तो क्या कर देगा यहाँ पे कैंसल आउट करके इस पार्ट ऑफ सिग्नल को डिस्ट्रॉय हो जाएगा यहाँ पे इंटरफेरेंस करने के बाद. तो ये मसला है. अगर फिर भी अगर आपने साइन वेव स्क्वायर वेव यूज करनी तो क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा स्पेस देनी पड़ेगी कि आपने फर्स्ट स्क्वायर वेव भेजी बहुत ज्यादा स्पेस, तो फिर अगली स्क्वायर वेव भेजो ताकि दोनों के सिंक्स ना ओवरलैप ना करें, डिस्ट्रॉय ना करें सिग्नल को. तो यहाँ मसला क्या है कि अगर आपने स्क्वायर वेव यूज की तो आपको स्पीड बहुत ही कम करनी पड़ेगी, ढाई कम, और बहुत ज्यादा बैंडविड्थ के मसले आएंगे आपके पास और बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस आएगी हर एलिमेंट की. तो बहुत ज्यादा आपके पास मैसेज डिस्ट्रॉय होके मिल रहा होगा, इतने आराम से आपको मिलेगा नहीं. तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि स्क्वायर वेव की बजाय हम साइन वेव भी यूज कर सकते हैं. देखने में लग रहा है कि स्क्वायर वेव है लेकिन एक्चुअली हम साइन वेव भी यूज करते हैं. अगर मैं इसको जूम करूं यहाँ पर तो आपको यूं लगेगा ये हर एलिमेंट, इसको मजीद जूम करो तो साइन वेव भी नजर आ रही है यहाँ पे. तो अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर में ओपन करता हूँ उसको, एक मोर्स कोड की फाइल को, और फिर हम देखते हैं कि देखने में कैसे लगती है फाइल. अच्छा ये नीट एंड क्लीन हमारे पास क्या है, मोर्स कोड की फाइल है. अच्छा मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कि शायद आपको आवाज आ जाए इसकी, हो सकता ना आए लेकिन चांस है कि शायद आ जाए. तो आई आप लोगों को आवाज इसकी? नो सर. सर नहीं आई. जी अब आप लोगों को आवाज आई है? यस सर. अच्छा चलिए, इसका मतलब कि आवाज क्या लग रहा है, समय एक ही आवाज है, इसी को हम ऑन ऑफ कर रहे हैं. जिस तरह बिल्कुल उस तरह की आपको फीलिंग आ रही हो कि चीज को आप एक ही वेव है, इसको आप ऑन ऑफ करो तेजी के साथ. अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम इसी वेव फॉर्म को थोड़ा जूम करके देखते हैं. तो मैं थोड़ा जूम किया तो मेरे पास ये एक्सपैंड हो गई है, मजीद जूम करता हूँ तो मजीद एक्सपैंड हो गई है, फिर मजीद जूम करता हूँ तो इस फॉर्म में आ गई है, और फिर मजीद जूम करता हूँ तो मेरे पास देखो क्या आ रहा है. बेसिकली मेरे पास ये एक ही साइन वेव है, वो प्ले होगी फिर बंद हो जाएगी, फिर दोबारा प्ले होगी बंद हो जाएगी. तो बेसिकली क्या है ये मोर्स कोड, क्या है साइन वेव्स की ऑन ऑफ का ही टाइम कंट्रोल हो रहा है खाली, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है. तो वही साइन वेव्स हैं, ये प्ले होती हैं आपके पास, बस प्ले होगी फिर रुक जाएगी, प्ले होगी रुक जाएगी. तो उनकी ऑन ऑफ के टाइमिंग से हम सारे मैसेजेस भेज रहे हैं यहाँ पे. तो ये सारी टेक्निक है इसके अंदर मोर्स कोड के अंदर, कि आप इनके ऑन ऑफ की टाइमिंग को यूज करते हो मैसेज ये भेजने के लिए. ठीक हो गया. चले अब ऐसा करते हैं कि हम अब फिर देखते हैं कि अगर हम इसका फोरियर स्पेक्ट्रम देखें, अगर हम इस वाली जो आपके पास मोर्स कोडेड फाइल्स हैं, अगर इनका हम फोरियर स्पेक्ट्रम देखें तो क्या मिलना चाहिए हमें, FFT ले या इसका फ्रीक्वेंसी फोरियर ट्रांसफॉर्म ले, तो आपको क्या किस किस्म का ग्राफ मिलना चाहिए? मतलब एक इंपल्स टाइप मिलनी चाहिए चीज आपको कि एक कांस्टेंट लाइन मिलनी चाहिए? सर अगर साइन वेव है तो इंपल्स मिलनी चाहिए. जी साइन वेव तो इंपल्स मिलनी चाहिए, खाली जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी खाली वही कंपोनेंट है इसके अंदर. तो अगर इस साइन वेव की फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, ठीक है, तो इसके अंदर खाली एफ वाला कंपोनेंट होना चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म FFT के अंदर, बाकी कंपोनेंट्स तो यहां पे एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है तो ऐसा करते हैं, हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या मिलता है आपको. जी हमें अब ये वाला ग्राफ मिला है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का. ठीक है अब हम इसको ले जाते हैं इसको दोबारा से स्लाइड्स के अंदर. तो हमें ये वाला ग्राफ मिल रहा है. अच्छा अब जरा गौर से देखो इसको, अगर मैं कहूँ कि इस ग्राफ को इंटरप्रेट करना है तो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? मतलब इस ग्राफ को देखिए क्या आप समझ क्या आ रहा है, देख के आपको क्या लग रहा है? सर ये सिर्फ 610 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें पास कर रहा है, बाकी सबको ब्लॉक कर रहा है. जी तो हमारे पास एक पीक है 610 हर्ट्ज की, तो खाली यही फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं. लेकिन कुछ लोग कह रहे होंगे कि बाकी भी तो वेव हमारे पास आ रही कोई ना कोई, तो इसका क्या मतलब है, वो बाकी चीजें भी एग्जिस्ट कर नहीं रही यहाँ पर.
तो बाकी चीजें देखो एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, कि आपने यहाँ पे स्केल चेक किया, इसका स्केल क्या है यहाँ पे, ये स्केल है आपके पास डीबीज के अंदर। डीबी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास, अगर ये वाला पॉइंट 10 डीबी के ऊपर है, तो जब भी आप इसके बाद अगर आप 0 डीबी पे आते हो तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू बनती जाएगी। तो अगर हम कहते हैं कि ये जो फ्लोर बन रहा है यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे, ये तकरीबन -20 डीबी के ऊपर आ रहा है, तो ये तो एक्चुअली 0.0000 समथिंग कुछ होगा। तो ये तो सारी के सारी फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करने की एरर्स हैं एक्चुअली, ये कोई सिग्नल नहीं है यहाँ पर। तो ये देखने में ग्राफ लगता है आपको कि ऐसा ग्राफ है जो मे बी के पूरे का पूरा सिग्नल एग्जिस्ट करता है, पूरे स्पेक्ट्रम पे आ रहा है, लेकिन एक्चुअली पूरा स्पेक्ट्रम का सिग्नल नहीं है, खाली एक ही सिग्नल है। अगर आप लैब में जाओ स्पेक्ट्रम एनालाइजर अगर यूज करो तो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। जब भी आप स्पेक्ट्रम एनालाइजर यूज करोगे ना, तो आपको इसी तरह का ग्राफ मिलेगा। उसमें इसको आपने फिर इंटरप्रेट करना है कि डीपीज कितने डीबी में जाके आपको सेकंड नीचे आपको फ्लोर मिल रहा है इसका। अब ये जो फ्लोर है इसका, तो बहुत छोटी सी वैल्यू, -20 डीबी तो बहुत ही कम होता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको तकरीबन हम इग्नोर कर सकते हैं कि कोई खास कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, ये बहुत छोटी सी वैल्यू है। 3 -3 डीबी करेंगे 7 डीबी पे आपके पास हाफ हो जाती है पावर इसकी, 7 डीबी के ऊपर आपके पास पावर हाफ हो जाएगी। फिर 4 डीबी के ऊपर 1/4 हो जाएगी आपके पास, 1 डीबी के ऊपर आपके पास 1/8 हो जाएगी। तो 3 डीबी के साथ साथ आप हाफ करते जा रहे हो, तो -20 डीबी पे जाके तो बहुत ही कम हो जाती है इसकी पावर, मतलब ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो देखने में लगता है कि ग्राफ ऐसा, लेकिन एक्चुअली है ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम करते हैं वो अपना मेन काम। अब हम वो करते हैं कि अब हम IQ का सिग्नल इम्पोर्ट करते हैं इसके अंदर, और फिर देखते हैं कि उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और उससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये हमने एक IQ का बीकन लोड कर लिया इसके अंदर, ये 22 नवंबर को हमने रिसीव किया था 11 बजे के करीब। अच्छा, इसको देख के लग रहा है कि ये मोर्स कोड है यहाँ पर, गौर से देखो, अगर कोई फीलिंग आ रही है देख के इसको कि मोर्स कोडिंग हुई हुई है इसके ऊपर। सर इसमें तो नॉइज भी लग रहा है कि ऐड हुई हुई है। जी जी, बहुत ज्यादा कॉस्मिक नॉइज है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है इसके अंदर, लेकिन कुछ ओवरऑल फीलिंग आ रही है कि बॉक्सेस पर भी नजर आ रहे हैं टी टाइम के ऊपर, 3 टी टाइम के। यस सर। तो इस एरिया में हमें लगता है कुछ नजर आ रहा है, ये देखो बॉक्स टी टाइम के फिर 3 टी टाइम सर, आगे भी नजर आ रहा है। जी आगे भी है, छोड़ के देखिए आगे जाके देखो, ये ज्यादा इतना गैप खराब होता जा रहा है। शुरू में कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट है इस एरिया में, साफ है, उसके बाद बहुत ज्यादा डर्टी सा हो गया हुआ है। अच्छा, ऐसा करते हैं फिर अब इसको प्ले करके देखते हैं, फिर आप कंपेयर करना जो ओरिजिनल वाले हमारे पास मोर्स कोडिंग वाली फाइल थी उससे कितना डिफरेंट है ये। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं। जी आपने रियलाइज किया कि बिल्कुल भी इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं है हमारे पास, बहुत बुरी साउंड क्वालिटी है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे वो ये कि अगर हमें कहा जाए कि वेव फॉर्म को देख कर डिकोड करो, तो खाली हम इस पार्ट के लिए डिकोड कर सकते हैं, यहाँ तक हमें नजर आ रहा है टी और 3 टी। लेकिन अगर हम ऑडियो सुने तो ऑडियो सुन के हम सारी की सारी डिकोड कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हम देख के नहीं कर सकते वेव फॉर्म को, उनकी सब चीजें मिक्स हुई हुई है यहाँ पर, कोई इतना अच्छा पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे, काफी चीजें मिक्स हुई हुई है। लेकिन अगर हम इसको प्ले करेंगे तो फिर हमें ज्यादा आराम से हम डिकोड कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा देखो इसका जो बेसिक यूनिट है वो देखो, साइन वेव के साथ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर हम जूम करें तो हमें साइन वेव मिलनी चाहिए थी यहाँ पर, तो हमें क्या मिल रहा है साइन वेव की बजाय, कोई बता सकता है यहाँ पर? तो अगर इसको अनइवन वेव मिल गया, साइन वेव नहीं है, साइन वेव जैसी कह सकते हैं, देखिए साइन वेव है नहीं है, बहुत रैंडम सी है सर ये वेव।
बहुत ज्यादा रैंडम सी लग रही है कि जब प्ले करें तो हमें कम से कम हम रजिस्टर कर सकते हैं कि हाँ वाकई मोर्स कोड आ रही है आवाज आपको। अच्छा तो अब इससे आपको अंदाजा होगा कि मोर्स कोड इतना पॉपुलर क्यों था। मोर्स कोड की पॉपुलैरिटी की मेन वजह यही है कि जितनी मर्जी नॉइज डालो, हो सकता है आप देख के इसको ना कर सको लेकिन सुन के आप डिकोड कर सकते हो। तो इसलिए हम मोर्स कोड यूज करते रहेंगे। जब बहुत सारा नॉइज होती है तो एक हल्की सी भी आवाज अगर आपको सर्वाइव कर दे तो आप उसको सुन के डिकोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये किया है कि सुन के हम डिकोड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सॉफ्टवेयर थे वो डिकोड नहीं कर पाए थे इसको। तो सॉफ्टवेयर वाइज उन्होंने कुछ भी डिकोड नहीं किया। सॉफ्टवेयर ने कहा कि हमें कुछ डिकोड हो नहीं रहा, बहुत ज्यादा नॉइज थी, लेकिन सुन के हम मैन्युअली डिकोड कर सकते हैं इसको। अच्छा अब हम अगला स्टेप करते हैं कि हम देखते हैं कि इसका फोरियर स्पेक्ट्रम कैसा है, ताकि हमें कुछ अंदाजा हो के हो क्या रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसका फोरियर स्पेक्ट्रम देखते हैं। अच्छा अब इसका फोरियर स्पेक्ट्रम हमें इस तरह का मिल रहा है, बहुत डिफरेंट है लास्ट टाइम से। जब प्योर नीट एंड क्लीन मोर्स कोड होगा उससे बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे करते हैं स्लाइड्स में ले जाते हैं, तो हमारे पास आ गया इस तरह की हमारे पास आई क्यूब का ये फोरियर स्पेक्ट्रम आ रहा है। अच्छा अब जरा चेक करो कि अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या देख के लग रहा है आप लोगों को। ये आपके रिसीव सिग्नल का फोरियर स्पेक्ट्रम है और ये आपके ट्रांसमिटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम है। मतलब ये आइडियल सिग्नल कह लो उसको, आइडियल वेवफॉर्म, आइडियल फोरियर आपका ऐसा होना चाहिए था और मिल आपको ऐसा रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर? सर एक तो उस फ्रीक्वेंसी में नहीं मिल रहा। जी जी ठीक है, इसके अलावा कोई और बड़ी प्रॉब्लम? दूसरा सर जो पीक वाली वैल्यू है वो भी डिफर कर रही है। जी यहाँ पे देखो पीक की बजाय पूरे का पूरे एक स्पेक्ट्रम से मिल रहा आपको, ये देखो यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है पूरे का पूरे, एक तो आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा है, एक इंपल्स नहीं मिल रही, एक पूरा पूरी बैंडविड्थ वाला सिग्नल मिल रहा है आपको। पहले यहाँ पे बैंडविड्थ जीरो थी इसकी, कि खाली इंपल्स थी, अब तो आपको अच्छी खासी बैंडविड्थ वाला सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे, कि इसने क्या किया, सिग्नल ने स्प्रेड कर लिया आपको। तो ये फ्रिक्वेंसी स्प्रेड हमने नोट किया कि आपके पास फ्रिक्वेंसी स्प्रेड आ गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि और बहुत सारे सिग्नल यहाँ पे आ गए हैं, ये देखो अगर आप, और इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा अच्छा खासा हाई है। तो हम कह सकते हैं आपके पास एडिड नॉइज बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड भी है और नॉइज भी है इसके अंदर। अच्छा अब हम सोचते हैं कि इन दो चीजों की वजूहत क्या हो सकती हैं, जिस तरह सिग्नल को इतना खराब कर दिया कि डिकोड नहीं हो पा रहा हमसे इतने आराम से, और इसी से हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी इस सैटेलाइट के साथ। तो अब जरा सोचते हैं कि फ्रीक्वेंसी स्प्रेड होने की क्या क्या वजूहत हो सकती है। तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी स्प्रेड हुई है, एक इंपल्स से स्प्रेड होके आपके पास पूरा बैंड आ रहा है, तो क्या वजह हो सकती है फ्रीक्वेंसी स्प्रेड होने की? सर ओवरलैपिंग कर सकते हैं। अच्छा ओवरलैपिंग अगर हो तो उससे ठीक है, अगर बहुत करीब करीब का सिग्नल ओवरलैप करे, यूं कहना चाह रहे हो? यस सर। लेकिन अब ठीक है, देखिए हमें किसी और सैटेलाइट का सिग्नल इंटरफेयर नहीं कर रहा था यहाँ पे, मतलब किसी और का बीकन नहीं आ रहा था, सिर्फ हमारा ही बीकन आ रहा था यहाँ पे। तो जो कुछ है फिर हमारा ही था इसके अंदर, हमारे ही सिग्नल की यहाँ पे ना यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है। मतलब क्या है कि अभी जो यहाँ पे जो कैरियर वेव है इस पार्ट के अंदर, जब यहाँ पे मोर्स कोड मिल रहा है, तो इसकी अगर फ्रिक्वेंसी एफ वन है तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी एफ टू होगी। ये सर नॉइस की वजह से भी तो कह सकते हैं कि जो डॉट्स और डैशेस हैं वो आपस में यानी कि ओवरलैप हो रही है। जी जी डॉट और डैश तो एक्चुअली टाइम डोमेन के अंदर है ना, तो खाली ऑन और ऑफ का मतलब होता है इसका। डॉट का मतलब क्या आपके पास कि अगर आपके पास इतनी साइन इतनी देर के लिए साइन वेव प्ले हुई है और उसके बाद आपने स्पेस दी है, फिर आपने दोबारा से साइन वेव प्ले की, तो ये क्या बन गया डॉट, और ये भी डॉट बन गया। अगर इसका ड्यूरेशन बढ़ा लो थोड़ा सा तो ये क्या बन जाएगा डैश बन जाएगा। तो ये तो खाली एक ही वही साइन वेव आ रही है आपके पास एक ही फ्रिक्वेंसी की, तो ये आपस में इंटरफेयर करेगा तो आपको क्या मिलेगा, साइन वेव खुद ही है ना, अपने आप के साथ इंटरफेयर तो नहीं कर सकते। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, डॉट टू डैश की फ्रीक्वेंसी तो सेम है, वो एक ही वेव से बने हुए, तो वो इस तरह की इंटरफेरेंस की सेंस नहीं बन रही यहाँ पे। नॉइज अगर ऐड करेंगे, नॉइज ऐड करेंगे तो इसके अंदर नॉइज ऐड होगी ना, तो मतलब थोड़ी बहुत उसकी पीक्स खराब हो जाएंगी यहाँ पे, थोड़ा ऊपर नीचे आ जाएगा यहाँ पे,
तो मतलब अगर आपके पास नॉइस इस तरह की आती है यानी मतलब कुछ इस साइन वेव को हम खराब कर देंगे थोड़ी सी राइट सर, तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज तो नहीं होनी चाहिए। तो अब जरा इस पे जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि क्या चीज फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकती है। अब इसमें ना दो तरह के फैक्टर्स आएंगे आपके पास कि अगर फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है तो हो सकता है आपके पास यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हो और हो सकता है आपके पास कोई इंटरनल फैक्टर हो, कि दोनों चीजें हो सकती हैं। जी जी एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट को इंपल्सेस मिल रहे हो जिस तरह लाइटनिंग की कंडीशन में पॉसिबल है। बल आप कह रहे हो कि एटमॉस्फेयर में क्या मिल रहा है उनको? इंपल्सेस सैटेलाइट को मिल रहे हो लाइटनिंग की कंडीशन में। अच्छा लाइटनिंग, अगर लाइटनिंग होती है ना तो वो एक स्टैटिक नॉइज ऐड करता है, तो वो पूरे स्पेक्ट्रम में ऐड करेगा, मतलब वो एक तरह से समझ लो कि नॉइज ही ऐड कर रहा है ना उसके अंदर, एक मतलब एक रैंडम वेव को ऐड कर देगा। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास नीट एंड क्लीन सिग्नल है तो वो क्या करेगा, इसके अंदर एक छोटी सी रैंडमनेस को ऐड कर देगा। ठीक है, तो रैंडमनेस ऐड होने के बाद इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज तो नहीं होनी चाहिए ना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, फ्रिक्वेंसी क्यों चेंज हो रही है साइन वेव की, ये समझने वाली बात है कि वो तो चेंज नहीं होनी चाहिए। सर फ्रीक्वेंसी इस वजह से चेंज हो रही है क्योंकि सैटेलाइट जब एक चीज़ ट्रांसफर करती है लाइट से, तो यानी वो एक वेव फॉर्म, एक वेव जनरेट होती है। जब वेव एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करती आती है तो वो एटम के साथ स्ट्राइक करेगी, अपनी एनर्जी लूज करेगी, एनर्जी कम होती है तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। नहीं नहीं, जब वो इसकी एनर्जी कम होगी ना उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो अगर इसका एम्पलीट्यूड पहले इतना था तो उसके बाद छोटा हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड, तो आपको ज़्यादा एम्पलीफाई करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा फिजिक्स में जाओ, फिजिक्स में कभी नाम सुना है डॉप्लर का? कभी डॉप्लर का वर्ड सुना हो आप लोगों ने? यस सर। तो जी जी बिल्कुल, डॉप्लर इफेक्ट। अगर अर्थ हो उसके इर्द गिर्द कोई चीज रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, और ये आपको चीज ट्रांसमिट कर रही है, तो क्या आपको सेम फ्रिक्वेंसी मिलनी चाहिए हर दफा या डिफरेंट मिलनी चाहिए? अगर डिफरेंट होती है, जी जी, अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, एंटना आपका यहाँ लगा हुआ है, तो अगर सैटेलाइट आपको अप्रोच कर रहा होगा तब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होगी, जब आप किस अवे जा रहा होगा तब डिफरेंट होगी, ऐसे ही होता है ना हमारे पास। तो जब आपके पास सैटेलाइट आपकी तरफ आ रहा होगा तो फिर आपके पास डॉप्लर ऐड हो जाएगा, जब अवे हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो ये हमने देखा डॉप्लर में इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, प्लस माइनस को डेल्टा का फर्क आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि आप डॉप्लर का इफेक्ट अगर हम चेक कर भी लेना तो डॉप्लर के इफेक्ट से इतनी बुरी स्प्रेडिंग नहीं हो सकती। तो हमने एक कॉज लिख कर लिया कि डॉप्लर हो सकता है, लेकिन डॉप्लर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। डॉप्लर से बहुत छोटा सा इफेक्ट आता है, मामूली सा, इतना बड़ा बैंड में फर्क नहीं आता। तो फिर हम डॉप्लर को भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा, नहीं डॉप्लर नहीं है, इसके अलावा कोई और चीज भी है। तो ऐसा करते हैं हम इंटरनल वाले फैक्टर्स की तरफ जाते हैं कि इंटरनली मे बी कोई फैक्टर हो यहाँ पे। अच्छा अब जरा सोचो कि सैटेलाइट अगर एक साइन वेव ट्रांसमिट कर रहा है तो उसके एंड पे क्या चीज लगी होगी, एक एंटना लगा होगा, एंटना से पहले क्या लगा होगा? एलसी टैंक होगा जी, कोई एलसी टैंक हो सकते हैं। वो एलसी टैंक फ्रिक्वेंसी फिक्स करने में हेल्प करता है कि नहीं करता, जो हमने इसकी फ्रिक्वेंसी F1 सेट करनी है कैरियर की, तो क्या वो एलसी टैंक कर रहा होगा या कोई और चीज कर रही होगी? एलसी टैंक ही कर रहा होगा जी। तो अगर हम कहते हैं कि फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि एलसी टैंक की फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, ठीक है, तो हम कहते हैं इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो रही होगी, ठीक है। चलो जो हम देखते हैं, ठीक है, फिर हम कहते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम, क्या आता है हमारे पास फॉर्मूला, क्या होता है इसका? वो जो आपके पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो आती है आपके पास एक नॉर्मल आपके पास ट्यून सर्किट की, 1/2 pi√LC। जी जी बिल्कुल। तो अब जरा देखो कि अगर ये वाला फॉर्मूला आपके पास हो, क्या इसके अंदर L चेंज हो सकता है कभी किसी भी सिनेरियो के अंदर? इंडक्टेंस हम चेंज कर सकते हैं फिजिकली? नो सर। ओके, इंडक्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकती। क्या कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है? जी जी, कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है।
अच्छा किन सिनेरियोस में हो सकती है? अगर टेम्परेचर कम ज्यादा हो तो हो सकती है इसकी कैपेसिटेंस चेंज? सर वो जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह की इंटरनल कैपेसिटेंस होती है वो चेंज हो जाती है, उसका इफेक्ट आ सकता है। ठीक ठीक लेकिन वैसे टेम्परेचर का नॉर्मल कैपेसिटर पर फर्क आएगा कोई, अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए तो? जी तो आपका जब टेम्परेचर आपकी कैपेसिटेंस आपकी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, अगर एक खास टेम्परेचर पे कैपेसिटेंस आपको मिल रही है, अगर चेंज करोगे टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह तो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी। तो ये भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम है आपके पास कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर पे पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज पे आ रही है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो रही होगी। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई टेम्परेचर या प्रेशर की चेंजेस आ रही हैं जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा आपका ट्यून सर्किट और कैपेसिटेंस चेंज हो रही है इसके आसपास का। अच्छा एक हमने ट्रेंड नोट किया यहाँ पे कि ट्रेंड क्या हमने नोट किया कि जब आपने इस सैटेलाइट की ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किए ना तो आपकी ना आपकी जो फ्रिक्वेंसी वो इंक्रीज कर रही है एक्चुअली, यानी स्टार्टिंग में आपकी फ्रिक्वेंसी थी F1 टाइम जीरो के ऊपर, उसके बाद आस्ता आस्ता ये फ्रिक्वेंसी आपकी इंक्रीज करती जा रही है, यानी ऊपर जा रही है फ्रिक्वेंसी। अगर यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी को प्लॉट करें तो टाइम के साथ आके फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज हमने ऑब्जर्व किया है, फिर ये वापस नहीं आ रही है, ये वापस डिक्रीज नहीं आ रहा है इसके अंदर, हमें खाली एक वन वे हमने इंक्रीज इसमें ऑब्जर्व किया, डिक्रीज ऑब्जर्व नहीं की। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपके पास कोई परमानेंट डैमेज आ रहा है यहाँ पे कैपेसिटेंस के किसी कॉम्बिनेशन के ऊपर, कैपेसिटेंस की कोई कॉम्बिनेशन लगी हुई है यहाँ पे, जिससे क्या हो रहा है टेम्परेचर के इफेक्ट के बाद क्या हो रहा है कि आपके पास ओवरऑल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपके पास इंक्रीज कर रही है, यानी कि राइट साइड पे जा रही है और फिर वापस नहीं आ रही। ठीक है, ये परमानेंटली वहां पे जा रही है और आखिर में क्या हो गया आपके पास एक थोड़ी लिमिट के बाद सिग्नल आना आपके पास बंद हो गए, एक खास वैल्यू के पास जब पहुंच गया आपके पास इंक्रीज हो गई फ्रिक्वेंसी, इसके बाद आपको ट्रांसमिशन आपकी बंद हो गई। तो ये हमने ट्रेंड नोट किया यहाँ पे कि स्टार्ट में आपके पास एक अच्छी फ्रिक्वेंसी पे सही फ्रिक्वेंसी पे आपके पास आ रहा था, फिर आस्ते आस्ते वो फ्रिक्वेंसी इसकी इंक्रीज होती रही है, यानी कि इसकी पीक एक्चुअली मूव कर रही थी ये पीक टाइम के साथ साथ। ठीक है, और स्प्रेड भी कर रही थी साथ साथ, तो आखिर में मूव करते करते एक आखिरी लिमिट पे पहुंच गई, इसके बाद आपको ट्रांसमिशन मिलनी बंद हो गई। तो अब हम इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास टेम्परेचर के अफेक्ट से कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ रहा है, उससे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे फर्क पड़ रहा है। अच्छा अब क्वेश्चन ये कि टेम्परेचर वो प्रेशर क्यों आपका बढ़ रहा होगा इंटरनली, इसका मतलब है मे बी सैटेलाइट आपका हीट अप हो रहा है, तो सैटेलाइट आपका हीट अप क्यों हो सकता है? सर्किटरी की वजह से हो सकता है जी, सर्किटरी या तो शॉर्ट सर्किट हो गई आपकी, ये हो सकता है आपके पास, या हो सकता है कि आपने बैटरी को ओवरचार्ज कर दिया हो, बैटरी को आपने कितने घंटों से ओवरचार्ज कर रहे हो, हो सकता है उसका कोई रिस्पॉन्स आ रहा आपके पास, एक दो रीजन यहाँ पे हो सकते हैं। अच्छा बैटरी के ओवरचार्ज होने अब किसका चांस यहाँ पे ज्यादा है, बैटरी के ओवरचार्ज होने का या शॉर्ट सर्किट होने का? शॉर्ट सर्किट का सर, क्यों? क्योंकि अभी तो फर्स्ट डे था इसका, फर्स्ट डे में तो बैटरी डिस्चार्ज हुई होती काफी हद तक, 30% चार्जिंग रह गई होती है उसकी, तो अभी तो उसको चार्ज होने में काफी घंटे लगेंगे, तो अभी तो ओवर चार्जिंग वाला फिनोमेना हो नहीं सकता, तो मोस्ट प्रॉबली शॉर्ट सर्किट आया आपके पास। शॉर्ट सर्किट आने की वजह क्या होगी कि आपके पास जो सन रेडिएशन जो थी उससे आपके पास सिंगल इवेंट वाला फिनोमेना यहाँ पे आ गया। सिंगल इवेंट क्या था आपके पास कि वो क्या करते हैं जब सन की रेडिएशन पड़ती है हमारे ट्रांजिस्टर्स पर तो क्या करते हैं, जीरो से वन पे आ जाते हैं, और कुछ ट्रांजिस्टर्स आप क्या करते हैं वो लैच अप कर जाते हैं, लैच अप का मतलब क्या कि वो एज ए स्ट्रेट वायर एक्ट करते हैं, तो एज शॉर्ट सर्किट बन जाता है। सर का नाम क्या है सर, दोबारा बता देंगे काइंडली? जी एक है हमारे पास सिंगल इवेंट अपसेट, एक हमारे पास है सिंगल इवेंट लैच, SCU SCL, और एक होता है SCB, यानी सिंगल इवेंट बर्नआउट, तो सिंगल इवेंट कहते हैं इसको। इवेंट जी जी सिंगल इवेंट अपसेट का मतलब है कि जीरो से वन कर दो, स्टेट चेंज कर रहे हैं वो टेम्पररी होगा, वो आप ठीक कर सकते हो बाद में। फिर सिंगल इवेंट लैच होता है कि आपके पास वो लैच करके सॉर्ट कर रहा है उसको, और बर्न आउट में क्या है SCB में क्या कि पूरा आपकी डिवाइस बर्न आउट हो गई है, ट्रांजिस्टर बर्न आउट हो गया आपका,
इस तरह के तीन डिफरेंट किस्म के आपके पास इफेक्ट्स आते हैं. तो इसका हम इससे पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो आई क्यूब था उसकी इतनी ज्यादा शील्डिंग नहीं हुई थी, मतलब उसके अंदर ना बहुत लो क्वालिटी का मेंटल केस था इसका. अगर आप चेक करो तो ये जो मेंटल केस है इसका बहुत लो क्वालिटी का है, ठीक है. तो वो ज्यादा हैवी आयंस को ना पेनिट्रेट करने से रोक नहीं सकता, तो वो जो हैवी आयंस होते हैं आपके वो पेनिट्रेट कर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो इसलिए क्या हुआ आपके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आपके पास बहुत ज्यादा इफेक्ट्स आए हैं यहाँ पे. इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी फेल हो गई यहाँ पे शुरू में, तो ट्रांजिस्टर्स आपके सिंगल इवेंट अपसेट में फंस के, सिंगल इवेंट लैचअप में फंस के, तो आस्ता आस्ता टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया इसका. टेम्परेचर अब यहाँ पे राइज कर रहा है इसके टाइम के साथ साथ, ठीक है. उससे क्या हो रहा है, उससे आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी मूव कर रही है. अगर यहाँ पे आपने ट्यून की हुई थी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, वो मूव करना स्टार्ट हो गई है. और उससे क्या हो रहा है कि आपके पास बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी स्प्रेडिंग आ रही है यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी आपकी स्प्रेड कर रही है और डिस्टॉर्शन आपके सिग्नल में बहुत ज्यादा आनी शुरू हो गई है. और एक यहाँ पे आके आपके पास टोटल सिस्टम फेलियर आ गया. जब क्या हुआ, टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा हाई भी हो गया, आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपकी पीक पे पहुंच गई बैंड के, तो वहां पे जाके सिस्टम फेल हो गया यहाँ पे. तो अगर आप चेक करो ऑस्कर वन को, तो ऑस्कर वन का जो मेटल केस था ये अच्छा खासा थिक किस्म का था, हैवी था. तो मतलब ये इसका अच्छा खासा वेट है. अगर आप इसको चेक करो तो इसका वेट कितना है, इसका वेट तकरीबन 5 kg के अराउंड बन रहा है यहाँ पे. और हमारे वाले का वेट कितना था यहाँ पे, इसका वेट था 1 kg. तो इसी से अंदाजा कर लो कि इसका जो मेंटल केस है वो 3-4 times हैवियर था यहाँ पे ऑस्कर वन का. तो ये हैवियर जो केसिंग थी इसकी, वो क्या करती है, वो सन सोलर रेडिएशन से बचाती है इलेक्ट्रॉनिक्स को. तो इसलिए जो ऑस्कर वन था वो बहुत अच्छा सर्वाइव करता रहा. क्यों, उसका हैवी मेटल केस था, ठीक है, उसने पेनिट्रेट करने से रोका है काफी आयंस को, काफी सोलर रेडिएशन को, तो इसलिए वो सर्वाइव कर गया. और जो हमारा सेटेलाइट था बहुत लाइट वेट था, मेटल केसिंग इतनी थिक नहीं थी उसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी शील्डिंग नहीं थी वहां पर, तो इसलिए बहुत जल्दी ये फेल हो गया. तो ये सिंपल सिंपल से इसकी रीजन बनती है. सर वो कैपेसिटर वाली बात काइंडली रिपीट कर देंगे जो आपने उसके इफेक्ट में बताई है सर, डॉपलर के बाद जो बताई थी. जी, कैपेसिटर वाले इफेक्ट की बात ये कि जब आप, अगर आपका सिस्टम अगर हीट अप कर रहा हो तो फिर आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज होती है साथ साथ. कि अगर आपका सिस्टम बहुत ज्यादा हीट अप हो रहा है तो क्या मतलब है कि आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज हो रही है. और उससे क्या होगा, आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही होगी. तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जब चेंज हो रही थी बहुत ज्यादा, तो हमने कहा इसकी कोई और रीजन बन ही नहीं. एक्सटर्नल जो रीजन है डॉक्टर, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, डॉक्टर इतना ज्यादा होता नहीं है. इसका मतलब इंटरनल कोई रीजन है यहाँ पे. इंटरनल रीजन में क्या निकला कि आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली LC टैंक सर्किट आपका खराब कर रहा है, इसकी कैलिब्रेशन को खराब कर रहा है, ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को खराब कर रहा है. तो वो खराब करने का मतलब क्या, या तो इंडक्टेंस आपकी चेंज हो रही है या कैपेसिटेंस चेंज हो रही है. यहाँ पे इंडक्टेंस नॉर्मली चेंज नहीं होती, कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है आपके टेम्परेचर के साथ. तो वो हमने कहा कि मोस्ट प्रॉब्ली कैपेसिटेंस चेंज हुई है, इसकी रीजन क्या है, टेम्परेचर ज्यादा इसका हाई हुआ था. तो ये सारे का सारा क्या है यहाँ पे, सारे का सारा हिपोथेसिस है यहाँ पर. ये हम इसको हम फाइनल वर्डिंग नहीं कह सकते यहाँ पे. हम क्या कर रहे हैं, हम खाली एक एक्यूरेट गेस लगा रहे हैं यहाँ पे. ये एक्यूरेट गेस से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता क्या हुआ है. वो तो जब हमें वापस मिलेगा, अगर सैटेलाइट कभी मिलता वापस, तब हम देख के बता सकते हैं क्या हुआ था इसके साथ. तो अभी हमने क्या किया, खाली हमने डेटा को यूज करते हुए खाली गेस किया यहाँ पे. तो हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन हमारी कैलकुलेटेड गेस किस्म की हमने ये वर्किंग की है यहाँ पे. तो ये क्या कह रहे हैं, डायग्नोस्टिक्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे पास लिमिटेड डेटा है यहाँ पे, तो हम इतना ही काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम बता नहीं सकते. अच्छा एक चीज है, आप एक चीज रह गई यहाँ पर, एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि कल हमने जब ऑस्कर वन की बात की थी, ये जो ऑस्कर वन था, अब देखा जाए तो ये खाली ट्रांसमिट क्या कर रहा था, ये हाई वाला मैसेज, ठीक है. हाई का मतलब क्या है कि आपके पास ये आ रहा था, आपके पास एच के आ रहे थे 4 dots, उसके बताए कि 2 dots आ रहे थे. तो खाली वो ये काम कर रहा था, ये एच के 2-4 dots और उसके बाद ये हाई के 2 dots, तो खाली ये ट्रांसमिट कर रहे थे ये आपका ऑस्कर वन. अच्छा आप लोग बताओ कि हम तो खाली ये ट्रांसमिट कर रहे थे, यानी कि आपके पास क्या था, एक आपके पास साइन वेव्स थी, फिर यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, फिर दोबारा साइन वेव्स ट्रांसमिट करेंगी. अगर ये ट्रांसमिट हो रहा था वहां पर, तो हमने टेम्परेचर का डेटा कहाँ से निकाला, जो कल हमने टेम्परेचर के ग्राफ देखे ऑस्कर वन के, तो वो हमने कहाँ से निकाले हैं, जबकि हमने तो खाली साइन वेव्स ट्रांसमिट की है. तो ये बता सकता कोई कैसे हमने टेम्परेचर का डेटा सेंड कैसे किया होगा उसमें. सर
सर अभी जो आपने टेम्परेचर का इफेक्ट बताया ना फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसी टेम्परेचर के फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास हाई का डाटा आ रहा है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी वेरी कर रही होगी उस हिसाब से उन्होंने टेम्परेचर का इफेक्ट निकाला है। अच्छा वो बात ठीक है, वो भी एक इफेक्ट होगा, लेकिन ना उन्होंने एक इसको कोडिंग करके ट्रांसमिट भी किया था यहाँ पे कि जो सिस्टम को जो टेम्परेचर मिल रहा है ना यहाँ पर, उन्होंने इसको ट्रांसमिट भी किया है। मतलब जब आपने ये साइन वेव ट्रांसमिट की ना यहाँ पे, तो उसके अंदर टेम्परेचर का डेटा भी एम्बेड किया हुआ था। सर डिले तो दे दिया होगा, डिले से तो डॉट टू डैश कंट्रोल हो रहा है ना आपके पास। डिले से क्या होगा कि आप डॉट टू डैश को कंट्रोल कर रहे हो, इसका कौन सा पैरामीटर रह गया है? जी जी, अब इसमें देखो इसका एक पैरामीटर और होता है यहाँ पे कैरियर वेव का, वो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर वो डिफाइन कर लें कि हमारे पास जब ये मीन वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की, जब कुछ ट्रांसमिट नहीं हो रहा, यानी ये जो टाइम है आपके पास कुछ ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, मीन वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, यानी कि स्टार्टिंग में कर लो, तो मैंने कहा कि हम ऐसे करते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड को कर लेते हैं कि ये आपके पास मीन वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, यानी कि एफ होगा इसके ऊपर, और जब आपके पास 31 डिग्री होगा तो हम एफ प्लस 0.01 कर दिया करेंगे, छोटा सा ऐड करेंगे, और जब वापस 29 होगा तो हम क्या करेंगे, एक सबट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से। अच्छा जो ऑस्कर वन था वो खाली इंक्रीज नहीं कर रहा, उसकी खाली उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज नहीं कर रही थी, उसकी ऑसिलेट कर, उसका क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर ऑसिलेट कर रहा था कि पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आएगा थोड़ा सा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आएगा। हमारे केस में तो खाली ऊपर जा रहा है ना, जब आपकी चीज नीचे आ सकती तो क्या करते थे वो लोग, उन्होंने जब नीचे आएगा तो उसको क्या कर रहे थे, वो उसकी फ्रिक्वेंसी कम करके ट्रांसमिट कर रहे थे। यानी जो जो इफेक्ट्स हमने देखे ना कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, वो इसके लिए वैलिड नहीं है। क्यों? इसकी इसका मेटल केस बहुत थिक है। ठीक है, तो इसके अंदर वो वाले इफेक्ट्स नहीं आए जो हम उसकी बात कर रहे हैं कि आपका वो कैपेसिटर वो हो रहा था, चेंज हो रहा था वहां पर, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही थी, इसमें वो वाले इफेक्ट्स नहीं आए। इसमें दूसरे किस्म के मसले आए थे, वो वाली चीज हमारी लो क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग में, हमारी लो क्वालिटी इंजीनियरिंग थी यहाँ पर, हमारे में ये मसला था, उनका ये मसला नहीं था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खाली इसकी फ्रिक्वेंसी को थोड़ा बहुत चेंज करते थे वो बताने के लिए कि कितना टेम्परेचर है मेरा, खुद से जानबूझ के कर रहे थे। हमारे केस में तो इसका ये तो खुद ब खुद हो रहा था ना ये काम, वो जानबूझ के चेंज कर रहे थे उसको इतना से टेम्परेचर डेटा सेंड करने के लिए, और फिर उन्होंने उसको यूज करते हुए एक्सट्रैक्ट कर लिया पूरा ग्राफ टेम्परेचर का। तो ये उन्होंने किया था इसको करने के। सर जी जी सर, उसमें हमने स्लीप मोड की बात क्यों की थी, उसका क्या फायदा होगा? नहीं, स्लीप मोड हम यूज नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ पूछ रहे थे कि अगर हम स्लीप मोड डाल दें इसके अंदर, वो क्या था हमारे पास, वो क्वेश्चन ये था कि अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, फायदा नहीं हो रहा था वो। जी जी कोई फायदा नहीं, जी कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल, क्योंकि बहुत वो कूल डाउन होती ही नहीं है ट्यूब्स आपकी इतनी जल्दी, तो ये प्रॉब्लम था, वो तो एक फेल स्ट्रेटजी थी हमारे पास, स्लीप मोड का फायदा नहीं होता उस केस में। लेकिन अब जो नए सैटेलाइट्स बनेंगे, अब स्लीप मोड का फायदा होगा, क्योंकि अब आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स नहीं है, तो अब जो नए सैटेलाइट्स होते हैं उनमें स्लीप मोड होते हैं, तो अब इट्स मेक सेंस, उस जमाने में नहीं था जब वैक्यूम ट्यूब्स थे आपके पास। तो अब सर ये स्लीप मोड पे हम टेम्परेचर स्टेबलाइजर को करते हैं स्लीप मोड पे? जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कहता हूँ कि ट्रांसमीटर जो होता है ना आपका, ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है आपका ट्रांसमीटर, और बहुत ज्यादा ये हीट अप करता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, हीट भी ज्यादा डिसिपेट करता है इंटरनली, तो अगर आपको बहुत ज्यादा हीट अप हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ट्रांसमीटर को ऑफ कर दो। यानी कि आप ट्रांसमीटर ऑफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्लीप मोड में जा रहे हो, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन नहीं होगी आपकी। स्लीप मोड के लिए जा रहे हो तो आप फिक्स कर सकते हो कि स्लीप मैंने करना है 1 घंटे के लिए, या आप कह लो कि नहीं स्लीप करो अनलेस टेम्परेचर आपको नीचे आ जाए, कंडीशन लगा दो कि टेम्परेचर जब तक नीचे आएगा तब तक हम कर सकते हैं। जी क्लियर हुआ है कुछ कुछ आप लोगों को? ये सर मैं समझा था कि हम टेम्परेचर स्टेबलाइजर को स्लीप मोड पे कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर स्टेबलाइज भी कर सकते हो उसके साथ यूज करते हुए उसको मॉडर्न सैटेलाइट्स में। ओके सर ठीक है। जिस तरह आपका लैपटॉप कूल डाउन होता है ना जब स्लीप मोड में डालो उसको, अगर आपका लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट अप हो रहा हो तो अगर स्लीप मोड में डाल दो तो 5 मिनट में ठंडा हो जाएगा, फिर दोबारा उसको ऑन कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही वाली साइंस यहाँ पे अप्लाई होगी।
समझो कि आपका सैटेलाइट आपका लैपटॉप है वो हीट अप हो रहा है तो आप स्लीप मोड में डालोगे तो क्या होगा, कूल डाउन कर जाएगा थोड़ा सा। सर जो मतलब टेम्परेचर स्टेबलाइजर टेम्परेचर को स्टेबल कर रहा है सैटेलाइट में एनवायरनमेंट की कंडीशंस के हिसाब से, तो टेम्परेचर स्टेबलाइजर को अगर हम स्लीप मोड पे डालेंगे तो वो तो फिर मतलब सैटेलाइट पे टेम्परेचर टेम्परेचर स्टेबलाइजर को नहीं डालेगा, नहीं पता है कुछ कुछ कंपोनेंट्स को स्लीप मोड में डालते हैं, जैसे ट्रांसमीटर जो होता है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, ज्यादा हीट अप करता है ना आपका, तो ट्रांसमीटर जो है ना बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है तो इसलिए वो ज्यादा हीट अप भी हो जाता है खुद बहुत से। ये चीजें हम ऑफ कर देंगे, जब वो ऑफ करेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगी फिर आपकी अर्थ के साथ क्योंकि वो ऑफ पड़ा है, तो इसलिए हम उसको स्लीप मोड कहेंगे कि आपका कनेक्शन खत्म हो गया। एल और ऐसी यूके इफेक्ट को खत्म करने के लिए स्लीप मोड पे डालेंगे ना हम? जी जी, उसे अगर रीस्टार्ट कर लो कि स्लीप उसको ऑफ करके ऑन करें सिस्टम को तो एससीयू के इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, लेकिन एससीबी के इफेक्ट खत्म नहीं हो सकते। जो अगर बर्न ऑन सर आप ई को प्रोनाउंस कर रहे हैं समझ नहीं आ रही सर, एस ई यू है एक एससीबी है एक एससीएल है, ठीक है। एससीयू के अंदर क्या होता है टेम्पररी तौर पर एक आपका लो हाई में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्पररी ये टेम्पररी होगा इफेक्ट, उससे क्या होगा लो वैल्यू आपकी हाई में बन जाएगी, ठीक है। एससीबी का मतलब कि आपके पास बर्न आउट हो गया हुआ है कुछ डिवाइस आपकी, लैश का मतलब क्या है कि आपके पास आपका जो ट्रांजिस्टर है वो क्या कर रहा है वो शॉर्ट हो गया हुआ आपके पास, शॉर्ट सर्किट एक्ट कर रहे हैं। तो ये तीन डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स हैं, ये टेम्पररी इफेक्ट है आपके पास, ये आप ठीक कर सकते हो रीस्टार्ट करके, ये जो है ये परमानेंट है ये ठीक नहीं हो सकता, ये भी कुछ केसेस में आप ठीक कर सकते हो। तो अगर आप रीस्टार्ट करोगे तो आपके पास एससीयूज खत्म हो जाएंगे लेकिन एससीबी का मसला हल नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली एससीयू ज्यादा कॉमन है एससीबी थोड़ा सा रेयर होता है, तो रीस्टार्ट करने से काफी मसले हल हो जाते हैं। okay. चलिए किसी के क्वेश्चन होंगे तो हम कर दे लेते हैं, अब टाइम खत्म हो गया, आपकी क्लास का नेक्स्ट क्लास का हमें टाइम हो गया, तो यहीं पर हम साइन ऑफ करते हैं।